थोड़ा स्पीच हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी। आपको बता दें, आज संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कटहरी के रामलीला मैदान में किया गया था। हमारे साथ बात करने के मौजूद, आज रामलीला मैदान में, कटहरी विधानसभा के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन, इसका उद्देश्य क्या रहा? संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन आयोजित हुआ आज रामलीला मैदान में। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, जो फांसीवादी ताकतें केंद्र में और प्रदेश में सरकारें हैं उनकी, वो लोग संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कुप्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास से कुछ होगा नहीं, लेकिन उन लोगों ने कॉमन मिनिमम ड्रेस कोड, सिविल आचार संहिता, इन सब की क्या जरूरत है? भारत देश विभिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता समेटे हुए देश है। यहाँ में रंग रूप, वेशभूषा सब में विभिन्नताएं हैं, फिर भी ये देश एक है, ये देश एक बना रहा है। इसलिए आज संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन करना पड़ा कांग्रेस पार्टी। बहराइच में जो घटना हुई है, दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था ठीक करने में, दुरुस्त करने में, चुस्त दुरुस्त करने में नाकाम है। अगर वहाँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का आयोजन होता है, हड़ताल हर जगह होता है, तो उनको चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि वो थोड़ा सा संवेदनशील जिला है पहले से भी बहराइच। उसमें से हम तो यही कहेंगे कि प्रदेश सरकार की विफलता है। क्या ये यूपी के 10 विधानसभा के चुनाव को देखते हुए विभाजन करने की एक रणनीति तो नहीं भाजपा की? सकता है, ऐसा कर सकते हैं, पूर्व में भी इनका इतिहास रहा है ऐसा, भाजपा भी ऐसा कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ पे जुलूस नहीं जाया करते थे, उस क्षेत्र में जुलूस गया, मुस्लिम आबादी में गया, वहाँ पर जो है घर में घुसकर जो है झंडे उतारे गए। अगर कुछ न करते तो यहाँ तो हिंदू और मुसलमान हजारों साल से एक साथ रहते हुए चले आए हैं, कोई दंगा नहीं कर, कुछ लोग हैं जो दंगा करवाते हैं, और बाकी देश के लोग और प्रदेश के लोग और जिले के लोग सब कौमी एकता एकजहती जो है यहाँ मजबूत है, यहाँ पर आपसी भाईचारा मजबूत है। फिर भी कुछ ताकते हैं, वो थोड़ी सी ताकते हैं जो कौमी एकता की मजबूती को खंडित करना चाहते हैं। यूपी के 10 चुनाव, 10 विधानसभा के चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, कितने सीटों पर चुनाव लड़े? क्या कटहरी विधानसभा भी इसमें शामिल है? कटहरी विधानसभा संभव है, हो सकता है शामिल हो जाए, क्योंकि 4 सीटें अभी छोड़ी गई है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कहने की ज्यादा स्थिति में नहीं है। गठबंधन हमारा इंडिया का होगा, हमको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, कुछ मिलना है। कैसा माहौल रहा आज संविधान जो संकल्प सम्मेलन का? मेरे विचार से आप देखे भी होंगे, बहुत सफल आयोजन रहा। इस बात के लिए हम अपने टीम को, पूरे जिले के सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का आभार प्रकट करना चाहेंगे। सारे लोग तन मन धन से लगकर यहाँ संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में आए, और ये सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा, और इसकी सफलता को हम सिद्ध कर देंगे आगामी उपचुनाव में। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आज संकल्प संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन की थी, बड़ी अच्छी भीड़ में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। कांग्रेसी आज गदगद है कार्यक्रम को लेकर, सफलता को लेकर। यूपी के 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट मिलने की संभावना है कटहरी विधानसभा। प्रोफेसर आपको टीवी से हमारे मुख्य अतिथि का माना अर्पण करके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे माननीय अविनाश पांडे साहब। अपने उन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने का काम कर रहे हैं जिनके नाते कांग्रेस यहाँ पर पहुँच चुकी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अविनाश पांडे साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो इस तरह से कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्यार, मोहब्बत और अपनेपन है, यही आप